हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। तो हम एक्सरसाइज 7.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरा ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसमें ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 के लिए तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, कैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम है क्या, कि मतलब हमें ग्राफ पेपर में पॉइंट्स को प्लॉट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है ये। तो इसमें क्या है कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपकी क्लास में स्टूडेंट है, ठीक है, रो वाइज वो सबने सेट किया हुआ है 1, 2, 3, 4 और ऐसे यहाँ पे ऐसे सेट किया हुआ है। तो आप इसको बताओगे कैसे, जैसे फर्स्ट रो में आपको बताना है, सिर्फ फर्स्ट रो की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें से बता दोगे कि मैं इस रो में फर्स्ट नंबर पे मैंने सेट किया हुआ है, सॉरी थर्ड नंबर पे मैंने सेट किया हुआ है। तो ये मेरी 1, 2, 3 थर्ड नंबर की सीट मेरी हो गई। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ, ओके, उसने यहाँ सेट किया हुआ है, तो अब आप इसको कैसे बताओगे। तो यहां से आप अगर आपने ये कहा कि वो लेफ्ट से फोर्थ नंबर पे सेट किया हुआ है, लेफ्ट से फोर्थ नंबर पे बैठा है, बट लेफ्ट से फोर्थ पे तो 3 सीट है, दिस वन, तो इसलिए ये कार्टेशियन सिस्टम बना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, लेफ्ट से तो है ये फोर्थ और बॉटम से ये हमारा क्या है थर्ड। तो हम यहां से बताएंगे जो मेरी जो सीट है वो है लेफ्ट से तो फोर्थ नंबर पे है और बॉटम से थर्ड नंबर पे। तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, बॉटम से थर्ड हमारी ये हो गई और लेफ्ट से फोर्थ हमारी ये हो गई। तो इसी तरह से हम यहाँ पे, तो ये जो सिस्टम बनाया था ये इस तरह से कैलकुलेट करने का या फिर आइडेंटिफाई करने का किसी भी नंबर को, तो ये जैसे कि ये हमारा ये हो गया, यहाँ लेफ्ट से फोर्थ तो ये फोर्थ और बॉटम से 3 तो ये 3। तो इस सीट का नंबर क्या है 4, 3, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर जो है वो हम वर्टिकल देख रहे हैं और थर्ड नंबर जो है हम वो फर्स्ट नंबर हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं और ये वाला नंबर हम वर्टिकल देख रहे हैं। तो ये जो 2 नंबर का से नंबर को देखने का या किसी भी कैलकुलेट करने के लिए जो सिस्टम बनाया था वो रेने डेकार्टे ने बताया था और उसी के नाम से डेकार्टे से ये जो नाम पड़ा है वो क्या है कार्टेशियन सिस्टम पड़ा है। तो बाकी तो आपने सारा ग्राफ पे जो भी हमने मैंने आपको ग्राफ में सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है कि ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस होती है हमारी, एक ये होती है एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है और एक हमारी यहां से होती है वाई एक्सिस, तो ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ओके। तो और ये जो सेंटर पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है, इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा क्या होता है ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, ओके। तो ये जो एक्स एक्सिस है उसका ये वाले पार्ट पे, जो राइट वाला पार्ट है उस पर हम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, क्योंकि 0 से पहले जो नंबर लाइन होती है वो ऐसे ही तो होती है, 0 से पहले वाले नंबर पे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव राइट कर लेते हैं। और फिर राइट लेफ्ट में कौन से नंबर होते हैं नेगेटिव, तो ये सेम ऐसे ही आपको ग्राफ पेपर पे राइट करना है -3, -4, -5। तो ये तो हमारी एक्सिस हो गई ना, हमारी वाई एक्सिस जो वर्टिकल होती है तो इसमें ये ऊपर की तरफ जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे की तरफ जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं नेगेटिव नंबर। तो ये -1, -2, -3, -4, तो इस तरह से ये हमारी ग्राफ में किसी को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपका एक ओरिजिन होता है, ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक ओरिजिन होता है और लेस्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारा होता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट है यहाँ से स्टार्ट है एक्स और वाई के बीच में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और लास्ट हमारा होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी आपको यहाँ पे 9th क्लास में तो वैसे आपने ये पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है,
वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स आएगा। जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, जब हम यहाँ ब्रैकेट में इस तरह से दो नंबर लिखते हैं जो मैंने अभी आपको ये बताया था, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये जिस इसमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू आती है, उसके बाद हमारी वाई की वैल्यू आती है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो फर्स्ट हमारा ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों ही वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो, पहले हमेशा आपको एक्स देखना है, एक्स को यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा नेगेटिव होता है और वाई हमारा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली वैल्यू आई है वाई की। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आप यहाँ देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स यहाँ पे हमारा फिर से नेगेटिव, तो एक्स हमारा नेगेटिव होता है और वाई भी हमारा ये क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से एक्स पहले देखना है, तो एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव और फिर y देखना है, तो y यहाँ पे नेगेटिव। तो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया, जैसे मैंने दे दिया -2, 3, आपको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो -2 हमें चेक करना है यहाँ पे, -2, 3 को। तो ये देखो, ये पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू हमारी y की होती है। तो x माइनस टू कहाँ आएगा, ये रहा x माइनस टू, और y हमारा पॉजिटिव 3 कहाँ आएगा, ये वाला y हमारा ये है पॉजिटिव 3 है, तो ये -2 और 3, तो एक्स हमारा नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू हमारी किस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी और आपको चेक करना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से, ये बेसिक है जो हमने 9th क्लास में यहां तक हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखने से पहले एक चीज और बतानी रह गई थी, जो एक्स एक्स जो एक्स की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एप्सिसा, और जो वाई की वैल्यू है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी कहलाएगी एप्सिसा, एप्सिसा, और जो y की वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं यहाँ पे ऑर्डिनेट। इसको y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं या फिर ऑर्डिनेट। तो ये मेरा सिर्फ बताना रह गया था। नाउ हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ग्राफ में लेट कि हम कोई दो पॉइंट लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, 1, 2 ले लिया। तो एक्स हमारा 1 है और y हमारा 2 है, ओके। तो 1 हमारा x, तो हमें जब x की वैल्यू होगी तो हमें हॉरिजॉन्टल चलना है, और जो y की वैल्यू होगी तो हमें वर्टिकल चलना है। तो x 1 हो गया, तो ये हमारा x 1 है, तो ये यहाँ से भी 1 ही आएगा। फिर y 2 है, तो ये देखो यहाँ पे x 1 है, तो ये हमें 1 ये पॉइंट हो गया, y 2 है तो ये हमारा ये 2 पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को तब तक बढ़ाना है जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक और कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं 6, 5 पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हमारा 6 और 5 पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड, डिस्टेंस एक्चुअल में होती क्या है, डिस्टेंस हमारी वो है जो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम लेंथ होगी। डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है, ए से बी तक जाने के लिए हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे राउंड करके भी जा सकते हैं, लेकिन हमें वो डिस्टेंस लेनी है जो सबसे कम लेंथ की हो, तो वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। तो आप यहाँ पे देखो पहले कि लेट्स कि मैं यहाँ से मैं आए हैं यहाँ तक, ये ऐसे भी आ सकते हैं, ए से हम इस पॉइंट पर आए, फिर इस पॉइंट से हम बी पे चले गए, ये भी हमारी इस तरह से भी हम ए से बी तक जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्या हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हुई नहीं। हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी कि हम ए से बी तक डायरेक्ट चले जाए। तो ये जो हमारी है ए से बी तक वाली डिस्टेंस, ये हमारी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। तो ये तो यहाँ लंबी हो रही है ना, तो ए से हम यहाँ पे पहले सी पॉइंट पे आए, फिर सी से बी पे गए, बट ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। चाहे हम इधर से इधर भी जा सकते थे, लेकिन जो ए से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है दो पॉइंट के बीच में, वो हमारी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये परपेंडिकुलर तो है, ये स्ट्रेट लाइन, चाहे ऐसे रखो कैसे भी रखो, स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो ये आप यहाँ पे देखो, ये हमारा ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, जो AC है वो हमारा कितना है,
तो आप यहां पे देखो एसी हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और हमारी कैलकुलेशन यहां से, ये वन, तो ये आप यहां पे देखो ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये जो है हमारा ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो वन टू लेकर के सिक्स, ये देखो एक्स एक्सिस है ना, वन से लेकर सिक्स, तो ये हमारी टोटल सिक्स यूनिट है। लेकिन हमें ये वाली इतनी नहीं लेनी है, ये जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है ना उसको हमें नहीं लेना है, तो मैं आपको बता दी ये वाली डिस्टेंस को हमें नहीं लेना है, तो ये हमारी कितनी है, जीरो है ना, तो ऑरिजन है जीरो से लेके वन हमें नहीं लेना है, तो ये हमारी वन हो गई। तो ये हमारी जो एसी हो गई वो कितनी हो गई, सिक्स माइनस वन कितनी हो गई ये वाली, तो सिक्स माइनस वन हमारा यहाँ पे कितना हो गया, हाँ फोर हो गया। और नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट हमारी हम बीसी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो एसी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि वो फाइव यूनिट है। नाउ सेम हम यहाँ पे बीसी फाइंड करते हैं, तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम ही है। तो ये यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो जीरो से लेके ये हो गई हमारी फाइव यूनिट, तो ये हमारी फाइव यूनिट हो गई। लेकिन हमें ये वाली इतनी डिस्टेंस लेनी नहीं है, यहाँ इस पॉइंट से लेके ये नहीं लेनी है, क्योंकि हमारी तो लाइन सिर्फ बीसी है, तो ये डिस्टेंस हमें नहीं लेनी है। तो ये हमारी यहां से कितनी है, जीरो से टू, तो ये टू यूनिट हम नहीं लेंगे, तो फाइव में से टू सबट्रैक्ट किया तो ये हमारा यहां से कितना बच गया, थ्री। तो अब इन दोनों नंबर में हम पाइथागोरस लगा लें तो हमारी ए भी आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो बेस स्क्वायर हमारा कितना है फाइव स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा थ्री स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 9, तो ये हमारा यहाँ से हो गया 9 प्लस 5 14 का 4 34 हो गया, तो एच स्क्वायर हमारा 34 हो गया, तो एच हमारा अंडर रूट 34 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा रूट से बाहर आएगा ना, क्योंकि 17 इंटू टू होता है, अगर ये नंबर ऐसा होता है रूट से बाहर आने वाला, तो ये हम यहाँ पे फाइंड कर लेते, तो हमारा हाइपोटेनियस यहाँ से कितना हो गया, रूट 34 आ गया। तो अब हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड किया, सेम ऐसे ही इसको हम वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ देखो, ये जो आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाया है, तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या यूज किया, हाइपोटेनियस स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना था, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था। तो बेस स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे क्या किया, बेस हमारा आया कैसे, सिक्स माइनस वन करने से आया, तो सिक्स हमारा क्या है, अगर हमें ये जो हमारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसको अगर हम ये ले लें कि ये जो वन और टू है ये हमारा एक्स वन वाई वन है, क्योंकि हमें तो दो कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें तो कोऑर्डिनेट से वैल्यू फाइंड करनी ना, बार बार थोड़ी ना हम ट्राइंगल बनाने जाएंगे। दूसरी वैल्यू हमारी एक्स टू वाई टू है, तो आपने ये सिक्स माइनस वन आया कहां से, यहां देखो ये जो एक्स टू है वो सिक्स है और जो हमारा एक्स वन है वो कितना है वन, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन इज फाइव। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था तो हमारा हुआ फाइव माइनस टू, तो फाइव हमारा यहाँ पे कौन है वाई टू, और टू हमारा यहाँ पे कौन है वाई वन, तो ये हमारा वाई टू माइनस वाई वन इज थ्री, तो बेस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं तो बेस हमारा यहाँ पे हो रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यही तो हमारा फॉर्मूला है। h हमारी है क्या, डिस्टेंस है ना, ए बी फाइंड करना, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट है उनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये जो कोऑर्डिनेट है x2 में से x1 को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना, देन प्लस y2 में से y1 को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना, और यही हमारा क्या है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये जनरल फॉर्मूला है और ये यही फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको कि हम लेंथ फाइंड करने में यूज करेंगे। तो ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में यहाँ पे बता देती हूँ बना के। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ गया, ए बी या डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ से समझा लिया, ये कुछ नहीं है, हाइपरटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला।
अगर यही अब हम जनरल फॉर्म में ले लेते हैं कि कोई भी हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि जनरल फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया एक्स वन वाई वन और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया एक्स टू वाई टू, तो सेम वही ट्राइंगल बनाया इस तरह से। और हमें ये जो डिस्टेंस फाइंड करनी, मैंने आपको पहले का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, बिल्कुल ये वाली, एक दूसरे पॉइंट से एक ये ज्वाइन करके जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे। अब परपेंडिकुलर तो कैसे भी हो सकता है, लाइंस तो स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये वाली लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमें ये चाहिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसको हम सी ले लेते हैं। तो ए सी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो इस पॉइंट से लेके ओरिजिन से लेके सी तक की लेंथ कितनी है, ये हमारी ये हाँ एक्स टू है, ये जो हम अभी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए बट इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप देखो ये पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है ये एक्स टू है ना, ये पूरी लाइन लाइन जो हमारी एक्स टू की तो है, अगर डेल्टा ये सेवन है तो इस किसी भी पॉइंट पे तो ये सेवन ही होगा। तो अभी आपको ये नंबर्स नहीं देखने, अभी हम सिर्फ इसको क्या लाइट कर रहे हैं, वेरिएबल की फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये नंबर्स अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो ये जो लेंथ हमारी यहां से यहां तक, देखो यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ हमें वेरिएबल फॉर्म में कितनी गिवन है, एक्स टू यहाँ पे गिवन है, ये जैसे वन से सेवन थी तो ये हमारी एक्स टू हो गई। और ये जो हमें लेंथ नहीं चाहिए वो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां से फिर यहां पे मैं बना लेती, यही वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हमारी कितनी है एक्स वन है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जैसे ये टू है, तो जो हमें ए सी चाहिए वो कैसे आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन का एक्स वन, ये हमारी लेंथ आ गई। नेक्स्ट हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये भी सेम ऐसी हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितनी है हमारी वाई टू है। और नेक्स्ट हमारी जो ये दूसरी वाली लेंथ है, जो ये वाली जो हमें नहीं चाहिए, वो हमारी यहां से यहां तक कितनी है वाई वन है, तो ये इतनी जो बी सी है हमारी वो कितनी हो जाएगी वाई टू में से, ये वाई वन इतनी सबट्रैक्ट कर दोगे तो बी सी आ जाएगी, तो ये हमारी वाई टू माइनस वाई वन होगी। तो हमें ए बी अगर फाइंड करना है तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम तो यही होती है ना, एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे बेस हमारा कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और प्लस ये वाई बी सी हमारा कितना है वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया। तो आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे इसको डिराइव किया है और ये कहाँ से बना है। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।